dear students, now we are going to talk about diffusion of innovation theory. Uh, diffusion of innovation theory is in a significant uh, perspective when we talk about technology adoption or adoption of any innovation in the society or uh, any community. Uh, diffusion of innovation theory was given by e. m. rogers. he was an american communication theorist and a sociologist. डी यू आई थीरी एक्सप्लेन हाओ ओवर टाइम एन आइडिया और टेक्नोलॉजी गेंस मोमेंटम एंड डिफ्यूज थ्रू आपेसिफिक पॉपुलेशन और आ सोशल सिस्टम ये थ्यूरी हमें यह बताती है कि कैसे जो है एक टेक्नोलॉजी या कोई आइडिया या बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करते हैं किसी पॉपुलेशन के मेम्बर्स या कोई कम्यूनिटी मेम्बर्स या कोई पर्टिकुलर सोसाइटी किस तरह किसी एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है इस थे के मुताबिक जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी मेंबर्स होते हैं वो सामसली किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते बल्कि उसका पाथ डिफरेंट होता है अडॉप्शन फॉर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड ऑन देयर ओन करेक्टरिस्टिक्स सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय सम पीपल आर मोर एप्ट टू अडॉप्ट द इनोवेशन देन अदर्स ये थीरी ये कहती है कि जब हम अडॉप्शन uh, की बात करते हैं ऑफ़ टेक्नोलॉजी अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स तो ये थिरी ये समझती है कि कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में कम्युनिटी में जो जल्दी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर थ, uh, लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स

कैटेगरीज बनाएं तो डिफिजन ऑफ इनोवेशन थेरी हमें बताती है कि देयर आर फाइव इस्टेब्लिश्ड एडोप्टर कैटेगरीज एंड देयर नेम्स आर इनोवेटर्स अर्ली अडोप्टर्स अर्ली मेजोरिटी लेट मेजॉरिटी एंड लैगर्ड्स नाउ वी आर गोइंग टू सी ईच अडॉप्टर कैटेगरी इन अ डिटेल्ड मैनर वट काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड इनोवेटर्स तो जब हम टेक्नोलॉजी अडोप्शन की बात करते हैं तो इनोवेटर इज़ एक्चुअली द फर्स्ट पॉपुलेशन ग्रुप हु ऑफ द टेक्नोलॉजी ये वो लोग होते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन या बिहेवियर को सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो इन जो ग्रुप मेंबर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ में वांट टू बी द फर्स्ट इनमें एक अर्ज होती है कि वो Uh, कोई भी काम सबसे पहले करें टेक इंटरेस्ट इन न्यू आइडियाज़ ये ओपन माइंडेड लोग होते हैं इनके साथ जब भी कोई नया आइडिया आप डिस्कस uh, करेंगे शेयर करेंगे कोई भी न्यू चीज़ बताएंगे, वो टेक्नोलॉजी हो या कोई भी और चीज़ हो तो ये उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं शो विलिंगनेस टू टेक रिस्क ये वो लोग होते हैं जो रिस्क uh, लेना जानते हैं जो ये समझते हैं कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं दे आर फ्यू इन नंबर्स तो किसी भी सोसाइटी में इस किस्म के लोग जो जो आ, 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 पहले पहल किसी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हैं या किसी इनोवेशन को ऑप्ट करते हैं दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर्स अर्ली अडोप्टर्स अब हम देखते हैं कि अर्ली अडोप्टर्स जो लोग होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं दीज पीपल आर दोज हु इंजॉय लीडरशिप रोल्स एंड एम्बरेस चेंज ऑपरचुनटीज़ तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं दे परफॉर्म बैटर इन लीडरशिप रोल्स एंड दे एम्बरेस चेंज ऑपरचुनिटीज दे टेक दे टुक चेंज इन ब्रेफ मैन एंड दे आर अवेयर ऑफ द नीड टू चेंज एंड वेरी कंफर्टेबल वाइल अडोप्टिंग न्यू आइडियाज तो ये वो लोग होते हैं जो जिनको ये मालूम होता है कि वक्त के साथ तब्दीली की ज़रूरत है और उस तब्दीली को अडॉप्ट करने में ये कंफर्टेबल होते हैं अर्ली मजार्टी दीज पीपल आर दोज हु न्यू आइडियाज़ बिफोर द एवरेज पर्सन तो एवरेज पर्सन से पहले जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं किसी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं उन्हें हम अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं and they see evidence that innovation works and wo kisi bhi technology ya kisi bhi innovation ko adopt karne se pehle empirical evidences ko check karte hain ki ye waqai successful uh, technology hai ya ye successful innovation hai and they rely on success stories ye uh, uh, जो है rely करते हैं किसी uh, success stories पर आ, uh, आ, uh, किसी भी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने से पहले लेट मेजॉरिटी of पीपल आर दोज adopt एंड ओनली after it इनोवेशन आफ्टर इट हैज by द मेजॉरिटी तो लेट मेजॉरिटी वो ग्रुप है community का जो के आ, शक्की मिजाज कह लें आप होते हैं और वो बड़े पैसमिस्ट होते हैं जब भी उनसे इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी की बात की जाए और वो तभी किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हों। होंगर्ड्स दीज पीपल आर दोज हु आर बाउंड बाय ट्रेडिशन एंड वेरी कंजर्वेटिव तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में जो लास्ट ग्रुप है उसको हम लैगर्ड्स कहते हैं और ये ट्रेडिशनल लोग होते हैं कंजर्वेटिव लोग होते हैं और ये बामर मजबूरी किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और अगर अडॉप्ट कर भी लें तो ये उसके बारे में बड़े स्केप्टिकल होते हैं और इस ग्रुप को जो है किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी इनोवेशन का यूज़र बनाना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है इसके लिए फिर आपको एडवरटाइजिंग करनी पड़ती है उनके साथ सक्सेस स्टोरीज शेयर करनी पड़ती हैं उनके साथ आपको एम्पेरिकल एविडेंसेस शेयर करने पड़ते हैं कैंपेनिंग करनी पड़ती है ताकि ये लोग जो है टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को ऑप्ट करें वट आर द फैक्टर्स वेन वी टॉक अबाउट द सक्सेसफुल अडॉप्शन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी एज पर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। द फर्स्ट फैक्टर इज रिलेटिव एडवांटेज दिस इज द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज सीन एज बेटर दैन द आइडिया प्रोग्राम और प्रोडक्ट इट रिप्लेस तो कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसकी अडोप्शन हमें uh, जो पहला फैक्टर है उसको हम रिलेटिव एडवांटेज कहते हैं ये क्या होता है कि भी जब आप किसी नई प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं तो वो कितनी बेहतर है प्रीवियस वन से वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है प्रीवियस वन से तो इसको चीज़ को हम रिलेटिव एडवांटेज कहते हैं कंपेटेबिलिटी हाउ कंसिस्टेंट द इनोवेशन इज़ विद द वैल्यूज एक्सपीरियंसिस एंड नीड्स ऑफ द पोटेंशियल अडॉप्टर्स तो वो कितनी कंपेटेबल है विद द कम्युनिटी मेंबर्स लोग उसको क्या इजीली अडॉप्ट भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो वहाँ की सोशल कंडीशंस के मुताबिक भी है कि नहीं है uh, इस चीज़ को कंपेटेबिलिटी कहते हैं कंप्लेक्सिटी हाउ डिफिकल्ट इनोवेशन इज़ टू अंडरस्टैंड और यूज़ और अगर इसको हम टेक्नोलॉजी uh, के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जितनी टेक्नोलॉजी इजी टू यूज़ होगी उतनी ही वो जो है उसकी अडोप्शन ज़्यादा होगी जितनी टेक्नोलॉजी डिफ़िकल्ट टू यूज़ होगी उतनी ही उसकी अडोप्शन कम होगी ट्राइबिलिटी द एक्सटेंड टू विच द इनोवेशन कैन बी टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड बिफोर अ कमिटमेंट टू अडोप्ट मेड तो कोई भी टेक्नोलॉजी की अडोपशन से पहले या उसके यूज से पहले उसकी ट्राइबिलिटी क्या है यानी उसको कितना जो है टेस्ट किया जा चुका है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्जर्वेबिलिटी, द एक्सटेंड टू विच द इनोवेशन प्रोवाइड्स टेंजिबल रिज़ल्ट तो किसी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने के बाद क्या चेंज आया है इंडिविजुअल्स की लाइफ में इसको हम टेंजिबिलिटी uh, कहते हैं तो किसी भी टेक्नोलॉजी की सक्सेसफुल अडॉप्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके टेंजिबल रिजल्ट्स क्या हैं और जब हम ये थे अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ये हमें बड़ी रेलेवेंट लगती है और हमें नज़र आता है कि सोशल मीडिया एप्स को अडॉप्शन जो है किसी भी सोसाइटी में वो इसी पैटर्न के साथ होती हैं कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं कुछ लेट अडॉप्टर्स होते हैं कुछ इनोवेटर्स होते हैं और कुछ लैगड्स होते हैं